नमस्कार दोस्तों, BHU स्टडी कैपिटल YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि BHU प्रॉक्सी का फॉर्म कैसे भरें, कैसे बनाएं, BHU प्रॉक्सी पर आप लॉगिन कैसे करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इस पर हम आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी मद में हम आपके लिए BHU प्रॉक्सी कैसे बनाएं, इस पर रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया है, जैसे कि क्रोम गूगल खुल चुका है और आप इसमें सबसे पहले सर्च करेंगे BHU प्रॉक्सी। BHU प्रॉक्सी सर्च करते ही आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिखेगा वो कंप्यूटर सेंटर प्रॉक्सी रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस पर आप, ये जैसे ही ऑप्शन आपको दिखेगा इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे के प्रोसेस के लिए आपके सामने एक फॉर्म होगा जिसमें आपको आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, इनरोलमेंट नंबर। दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर की जगह पे आप अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो उसमें आप अपने मोबाइल नंबर के द्वारा ही अपना प्रॉक्सी बनवा सकते हैं। फिर अगला कोर्स आपका क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, फैकल्टी क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है, हॉस्टलर है या नहीं है, कोर्स कम्प्लीसन डेट क्या कब तक हो जाएगा, मतलब 3 साल ग्रेजुएशन वालों के लिए, PG वालों के लिए 2 साल उनको भरना होता है। फिर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे, उसमें आपको वाईफाई की सुविधा, ज़्यादा डाटा आपको मिलेगा अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि हमने फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और जो इनरोलमेंट नंबर हमने ऊपर भरा है उसके जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं। कोर्स स्टडिंग हमने भर दिया है BA आर्ट्स, अगर आपका जो फैकल्टी है जैसे हमने फैकल्टी ऑफ आर्ट भरा है, फिर आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट को आप भर देंगे, जो डिपार्टमेंट भी हो देखिए आप चेंज कर सकते हैं उसमें। आप हॉस्टलर हैं तो यस करेंगे, हॉस्टलर नहीं है तो नो करेंगे। अगर हॉस्टलर हैं तो यस करने के बाद आपका कौन सा हॉस्टल है उसे भी मेंशन करेंगे। फिर आपका डेट कब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे UG वालों का 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा तो आपके उस डेट से 3 साल आगे तक का डेट डालेंगे उसमें आप। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं यस करेंगे, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है उसे भरना होता है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, ये तीनों चीज़ें भी इसमें मेंशन करना होगा आपको। और फिर नीचे आएंगे तो आपको खुद अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा, जो भी आपको पासवर्ड बनाना हो अपना पासवर्ड बनाएंगे जो कि आपको याद हो, क्योंकि उसी पासवर्ड के आधार पर आप अपने प्रॉक्सी को लॉगिन करेंगे जब आपकी प्रॉक्सी बन जाएगी। तो देखिए, जैसा कि हमने पासवर्ड डाल दिया है और री इंटर पासवर्ड, इसे भी इंटर कर लेते हैं हम। फिर अपने फॉर्म को हम सबमिट कर देते हैं। जैसा कि इस रूप में कुछ आपको फॉर्म दिखेगा जिसमें आपको एक आपका फ़ोटोग्राफ पेस्ट करने के लिए भी एक स्पेस दिया होगा, वहाँ पर आप अपना फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो फॉर्म भरना है आपको, हमने ये फॉर्म भरने का सिस्टम जो भी है कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर इस फॉर्म को जो आप प्रिंट आउट जो है एक पेज में निकलवा लेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर का एप्लीकेंट दिया होगा, वहाँ पर आप अपना खुद का सिग्नेचर कर देंगे और अपने डीन ऑफिस पर जा करके वहाँ से मुहर लगवा करके और डीन ऑफिस में जा करके वहाँ साइन करवा लेंगे विद सील, अर्थात मुहर के साथ। अगर आप हॉस्टलर हैं तो आप अपने एडमिन वार्डन का भी साइन करके हॉस्टल के सील के साथ, मुहर के साथ उसे आपको प्रिंट आउट उसका निकाल लेना होगा। दोस्तों, हमने जैसा कि फ़्लो में बोलते हुए चले गए कि प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, प्रिंट आउट तो आप पहले ही निकलवा चुके हैं और उसे आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे। हमने बताया डीन ऑफिस का सिग्नेचर करवा लेंगे विद सील और अगर आप हॉस्टलर हैं तो हॉस्टल का भी साइन करवा लेंगे। इन सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद, फ़ोटो पेस्ट करने के बाद, आपका जो प्रॉक्सी फॉर्म है जिस पर आपने साइन करवाया उसे लेकर के आप कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे और वहाँ जो भी अधिकारी बैठे होंगे, जो भी कर्मचारी बैठे होंगे, उनको आप अपना फॉर्म सौंप देंगे और 24 घंटे के अंदर आपका जो यूजर आईडी है, जो पासवर्ड है, वो एक्टिव हो जाएगा और आप अपने प्रॉक्सी का यूज जहाँ पर भी BHU में मैक्सिमम जगह पर वाईफाई लग चुका है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, तो आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर जब आपकी प्रॉक्सी लॉगिन होना शुरू हो जाएगी, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जब एक्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको डाटा कितना मिलेगा। तो BHU के द्वारा पर डे आपको 4 GB डाटा दिया जाएगा। ये पर मंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर डे आपको 4 GB डाटा, जो कि बहुत होता है, सफिशियंट होता है एक आदमी के लिए, आपको 4 GB डाटा दिया जाएगा और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और आप अपना जो यूजर आईडी है वो मैक्सिमम 3 डिवाइसेज में आप लॉगिन कर सकते हैं और प्रत्येक डिवाइस में आपको 4 GB जो है डाटा वो मिलेगा। मित्रों, अब बात कर ली जाए कि अगर आप डेली डाटा आपका जो 4 GB है उसे आप अगर उस डिवाइस में एक्सीड कर देते हैं तो उस डिवाइस में आप फिर से 4 GB डाटा आपका रिन्यूएबल कब होगा। तो ये डाटा आपको 12 बजे रात को, लगभग 12:10 तक, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लगभग 12 बजे आपका डाटा फिर से रिन्यूएबल हो जाएगा, फिर आपको 4 GB डाटा दे दिया जाएगा, फिर आप उसको 24 आवर्स के अंदर उस डाटा का उपयोग कर सकते हैं।
दोस्तों एक और बात, जो भी नए स्टूडेंट हैं जिनका इनरोलमेंट नंबर अभी तक नहीं मिला है और आप अपना प्रॉक्सी फॉर्म अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से भर रहे हैं, इनरोलमेंट नंबर के जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको जब आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाए तो आप फिर एक प्रॉक्सी फॉर्म भरेंगे और उसे जमा करेंगे और अपने आईडी को जो है रिन्यूड करवा लेंगे, क्योंकि आप अगर मोबाइल नंबर से ही अपना आईडी रखते हैं तो उसके कुछ समस्याएँ आपके सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों यदि आपका जो प्रॉक्सी है वो अगर आपके मोबाइल नंबर से बना हुआ है तो आपके लिए क्या समस्या आएगी, सबसे महत्वपूर्ण मेन समस्या आपकी यही है कि आपका पासवर्ड अगर कोई दूसरा जान गया है और आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं अपने यूज़र आईडी के साथ, अपने पासवर्ड के साथ कुछ अगर छेड़छाड़ आप करते हैं, अगर आपका प्रॉक्सी मोबाइल नंबर से बना हुआ है तो आपकी आईडी वहीं पर बंद हो जाएगी, आपकी यूज़र आईडी चलाने में आपको समस्या क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको कंप्यूटर सेंटर जाना पड़ेगा और तमाम समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए जैसे ही आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाए तो आप अपना प्रॉक्सी फॉर्म जो है इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से बनवा करके अपने आप को सिक्योर करने का पूरा प्रयास करें। तो इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं दोस्तों, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि BHU प्रॉक्सी पर रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लाएंगे और अपने वादे के अनुसार हमने आपके लिए यह वीडियो आज लाया। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई समस्या हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपना प्रॉक्सी बनवा लें और BHU के द्वारा दी जाने वाली डाटा का उपयोग बड़े ही आराम से करते रहें। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप BHU स्टडी कैपिटल फेसबुक पेज पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप BHU स्टडी कैपिटल के नाम से सर्च करेंगे, उसे फॉलो करके आप हमसे कांटेक्ट रख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।